हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग कार लॉर्ड। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ Hyundai Verna का 2023 फेसलिफ्ट वेरिएंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, Hyundai Verna वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेडान्स में से एक है और ये इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। तो आज मैं आपको इसका कंप्लीट वॉक अराउंड दूंगा और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसके कुछ वॉक अराउंड से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की की ऑफ़र करती है Hyundai। पीछे Hyundai का लोगो और ये लॉक, अनलॉक, होल्ड और ये अपनी आप इस पर बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में आपको क्रोम देखने के लिए मिल जाएगा की पे। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम की दे रखी है Hyundai Verna की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट की तरफ से। फ्रंट में आपको ये पूरी DRL दे रखी है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के लिए। और बीच में आप देख सकते हैं Hyundai का लोगो। और इसके हेडलैम्प्स की बात करी जाए तो इसमें ट्रिपल LED हेडलैम्प्स आते हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये इसका कॉर्नर लैम्प दे रखा है और नीचे ये इंडिकेटर आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं कितना ही बढ़िया डिज़ाइन दे रखा है इस गाड़ी में। फ्रंट की ग्रिल तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी लगती है इसकी देखने में। और ये आ गए आपके आगे के पार्किंग सेंसर्स। कुछ लोग बोल रहे हैं इसकी आगे की ये DRL अच्छी नहीं लग रही, बट एक बार आप शोरूम विजिट करके देखिए। आपको अच्छी नहीं लगे तो आप मेरे से बात करना। पहले मैंने भी देखी थी फोटोज़ में, मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, बट अब मैं इसे रियलिटी में देख रहा हूँ तो मुझे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है ये गाड़ी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये। तो चलिए चलते हैं इसके साइड व्यू की तरफ। इस तरीके की आपको इसमें साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा लंबी बना दी है ये पिछली वाली Verna से ये। और साइड प्रोफाइल तो एकदम भाई साहब इसकी तगड़ी लग रही है दिखने में। चलिए मैं आपको इसका टायर साइज दिखा देता हूँ। 205/55 R16। आपको इसमें 16 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें रेड कैलिपर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके एलॉय लग रहे हैं। और फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने के मिलेंगे और बैक की साइड में नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी में। बैक की साइड में नॉर्मल ड्रम ब्रेक है। इसके ORVM की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आपको इसमें मिल जाएंगे। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर भी ORVM पे मिल जाएगा। आपको इसमें इस तरीके के हैंडल मिल जाएंगे क्रोम। और ये देख सकते हैं आप, पूरा एक क्रोम का एलिमेंट दिख रहा होगा आपको इसमें गेट की साइड में। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 170 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं इसके रियर व्यू की तरफ। बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप की इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। जो इसके टेल लैम्प्स है, कनेक्टिंग टेल लैम्प्स, काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं पीछे से, मज़ा ही आ गया देख के। ये देख सकते हैं आप, पूरा कनेक्टिंग टेल लैम्प्स है। ये पूरा एलिमेंट दे रखा है। और ये आ गया आपका टर्न इंडिकेटर, इसके बराबर में आपकी रिवर्स लाइट। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लॉसी में नीचे दे रखा है। ये Verna जो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये Verna कुछ अंदर की साइड में दे रखा है इसके। और यहाँ पर आपकी 1.5 टर्बो की बैजिंग आ गई है, टर्बो इंजन है इसका। तो मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा बूट में।
और भाई साहब बूट तो देख लो आप, 528 लीटर्स का आपको इसमें बूट मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, आप अपनी कितनी भी लंबी जर्नी आप इसमें आराम से 4-5 बैग रख सकते हैं। और ये आ गया आपका इसमें हेलोजन बल्ब, और यह आपका ट्राइंगल आ जाता है एक। और चलिए मैं आपको इसका स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ कुछ। ये आपका स्पेयर व्हील आ गया 185/65R15, 15 इंच का आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा, स्टील व्हील ही होगा इसमें आपका। और ये आ गया आपका रियर कैमरा, और ये साइड में आपके सारे 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं इस गाड़ी में। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको इसका बोनेट खोल के दिखा देता हूँ इंजन कैसा है। ये लीवर आ गया खोलने का, इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। और ऊपर की साइड की बात कर ली जाए तो आपको ये इंसुलेशन लगा हुआ मिल जाएगा इसमें। और इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 158 bhp एंड 253 nm का टॉर्क। और माइलेज की बात कर लेते हैं तो ये गाड़ी आपको कंपनी जो क्लेम करती है 20 का माइलेज क्लेम करती है, बट आपको ये 16-17 हाईवे और 11 का माइलेज ही आपको सिटी में निकाल के दे देगी कार। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। हमने इसके एक्सटीरियर की बात तो कर ली है। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। यहाँ की साइड में आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा कीलेस एंट्री के लिए। और फुली ब्लैक इंटीरियर में आपको डोर मिल जाएंगे। यहाँ की साइड में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल जाएगा रेड स्टिचेस के साथ। और ये आ गए आपके विंडोज के कंट्रोल लॉक अनलॉक के लिए, और ये ORVM के कंट्रोल्स। और नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, और ये आपको क्रोम में देखने के लिए मिल जाएंगे इसके डोर हैंडल्स। और इसमें आपको बोस के स्पीकर प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, अगर आप SX ऑप्शनल लेंगे उसमें आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। सीट पीछे कर लेता हूँ, मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी आपको इसमें। यहाँ की साइड में आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, ये आप चेंज कर सकते हैं स्क्रीन से, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है लेदर रैप्ड रेड स्टिचेस। ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल, ये ऑटो हेडलाइट के कंट्रोल्स, और ये आ गया आपका सारे कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल और ये सब। और ये मीडिया के कंट्रोल्स इधर आपको मिल जाते हैं, बीच में ह्यूंडई का लोगो। कुछ इस तरीके का आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है डिजिटल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इस गाड़ी का। ये टैकोमीटर आ जाता है आपका, और ये स्पीड मीटर आ जाता है, और बीच में IMD मिल जाती है इसमें आपको। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ चेंज करके, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी, ड्राइव इन्फो सब कुछ आ जाता है। तो स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो आपको उसमें 10 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। मैं AC चला देता हूँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है। ये आपका क्वाइट मोड आ गया, ये सब आपके मोड आ गए।
सेटिंग्स में चले जाएं, व्हीकल में जाएंगे तो देख सकते हैं क्लस्टर आ गया आपका, यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये। लाइट्स में जाएंगे, इसमें एम्बियंट लाइट आप यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हैं। कलर्स, इतने सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, सेट कर सकते हैं अपने कस्टम कलर्स। देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये चेंज हो रही है, इसे मैं आपको चेंज कर देता हूँ। देखिए पिंक हो गई है, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी मिल जाता है। और एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप अपना स्टीरियो का कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ही अपना एसी कंट्रोल होगा आपका। इसमें कोई भी बटन नहीं दिए गए हैं, यहाँ से आप अपना देख सकते हैं, ये हमें एसी पे करता हूँ तो यहाँ से अपना फ़ैन अप डाउन हो जाएगा आपका, और ये आपका टेम्परेचर अप डाउन के लिए, और फिर आप ये करेंगे तो ये आपके स्टीरियो के कंट्रोल्स। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलता है, अगर आप SX ऑप्शनल लेंगे तो उसमें आपको एक वेंटिलेटेड सीट्स का बटन मिल जाएगा, और नीचे की बात कर लेते हैं चार्जिंग पॉइंट की, तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर का सपोर्ट, ये आपका टाइप सी का पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और ये जो आ जाता है आपका USB का, और ये जो बटन देख रहे हैं आप ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के हैं, और ये रियर कैमरे का एक बटन आ गया। ये जो आप इधर देख रहे हैं ये जो यहाँ पर आपको सेंसर्स भी पता चल जाता है जैसे, और इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं अपने ड्राइव मोड, या आ गया स्पोर्ट, इको, मैनुअल। ये आपका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है, ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक, ये आपका आर्मरेस्ट आ गया इधर कुछ स्पेस के साथ, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके आर्मरेस्ट को आगे और पीछे की तरफ। इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, लेदर सीट्स नहीं मिलती। और सीट्स के कंफर्ट की बात करूं तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इसकी सीट्स का। यह आ जाता है आपका ग्लोव बॉक्स अच्छी स्टोरेज के साथ, कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है आपको इसमें, ये सॉफ्ट टच और ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा है कंपनी ने। यहाँ की बात कर लेते हैं तो आपको एक वैनिटी मिरर दे देती है कंपनी, और ये आपकी केबिन लाइट्स, IRVM आपको इसमें ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, SOS का बटन आ जाता है, ब्लूलिंक आपको ये गाड़ी ब्लूलिंक सपोर्ट करती है ये गाड़ी, और ये आपका यहाँ की साइड में भी एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और एक ये सनरूफ का बटन, तो ये था उसका फ्रंट सीट्स का व्यू। तो चलिए मैं आपको इसकी रियर सीट्स की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलता है आपको रियर सीट्स में इसकी। और इसमें आपको चारों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं इस गाड़ी की, सीट्स की तो मैं तारीफ करूंगा इस गाड़ी की, सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और ये आपका आ जाता है एसी वेंट्स, और नीचे आपके दो वायरलेस टाइप सी के सब चार्जर के सॉकेट, और ये आ गया आपका स्टोरेज, और यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ, अभी मैं दिखा नहीं सकता लॉक है। और आगे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जैसे कि अभी आगे चल के दिखा दूंगा वो मैं आपको दोबारा से, और यही सेम इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स, ये आपको हैंडल आपका क्रोम में, नीचे बॉटल होल्डर की स्पेस। चलिए मैं आपको इसके फ्रंट में पहले मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ की साइड में आपको ये जो तीन दिख रहे हैं ये आपको बैक सीट के सीट बेल्ट की लाइट मिल जाएगी, और इधर की साइड में ये आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, और अपनी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप इससे। तो चलिए अब इसके कुछ सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी में आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं,
ट्रैक्शन कंट्रोल और सीट बेल्ट, वार्निंग लाइट्स, इन सब, ये सब आपको सेफ्टी में इसमें मिल जाता है। तो चलिए अब इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये आपको 14,83,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसका, और ऑन रोड आपको ये 17,00,000 की आपको ऑन रोड वासु अर्जुन ह्यूंडई रामपुर के अंदर यह गाड़ी आपको पड़ जाती है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा वासु अर्जुन ह्यूंडई को, जिन्होंने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड करा के दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।